कम बैक इन दिस वीडियो। बिहार में अब घर से पास के स्कूल में भी पढ़ना मुश्किल, के पाठक के नए फरमान से बच्चे आफत में। क्या है डिटेल, क्या है अपडेट, आइए देखते हैं इस वीडियो में। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। शिक्षा विभाग के ACS के पाठक के फरमान ने पेरेंट्स की टेंशन बढ़ा दी है। जिस पंचायत क्षेत्र के बच्चे हैं उन्हें उसी पंचायत में नामांकन कराना होगा, जिसके चलते अभिभावकों को दिक्कतें हो रही हैं। जी हां दोस्तों, अपनी शक्ति और कार्यशैली और तुरंत एक्शन लेने वाले शिक्षा विभाग के ACS के पाठक का नया फरमान अब बच्चों पेरेंट्स के लिए नई मुसीबत बन गया है। पाठक के नए आदेश के मुताबिक अब जिस पंचायत क्षेत्र के बच्चे हैं उन्हें उसी पंचायत में नामांकन कराना होगा। इस आदेश को लेकर बच्चों के अभिभावकों की मुश्किलें ये आ रही है कि उनकी पंचायतें जो हाई स्कूल हैं वो ज़्यादा दूरी पर हैं, करीब 5 किलोमीटर तक हैं, और जो स्कूल घर के नज़दीक है वो दूसरी पंचायत में आते हैं, जिसके चलते पास वाले स्कूल में एडमिशन अभिभावकों की मजबूरी है। जी हाँ दोस्तों, कहा जाए कि जो स्कूल जिस पंचायत में बच्चे रहते हैं, निवास करते हैं, उन्हें उसी स्कूल में, उसी पंचायत के स्कूल में नामांकन कराना होगा। दिक्कत ये आ रही है कि जो हाई स्कूल है वो ज़्यादा दूरी पर है। शिक्षा विभाग के नए आदेश के मुताबिक अगर बच्चे दूसरे पंचायत के हाई स्कूल में नामांकन करवाते हैं तो उन्हें पहले अपने पंचायत के स्कूल से ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेना होगा, फिर DO से प्रमाणित कराना होगा, उसके बाद ही दूसरे पंचायत के हाई स्कूल में एडमिशन लेना मुमकिन होगा। इस नए आदेश के चलते कुछ बच्चे दूर के स्कूलों में एडमिशन कराने को मजबूर हैं तो कुछ पंचायतों के चक्कर काट रहे हैं और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बनवाने के लिए घूम रहे हैं। के पाठक के इस नए आदेश में एक और प्रावधान है। शिक्षा विभाग ने आदेश दिया है कि स्कूल के प्रधान शिक्षक को बैठक करनी होगी, जिसमें बच्चों के पेरेंट्स, टोला सेवक, तालीमी मरकज, आंगनबाड़ी सेविका और स्कूल की सहायिका भी मौजूद रहेंगी। इन सब की जिम्मेदारी अनामंकित बच्चों की खोज कर उनका नामांकन कराने की है। 6 वर्ष के कम उम्र के बच्चों का नामांकन कक्षा 1 में करने को कहा गया है। कक्षा 1 से 4 और 6 से 7 के बच्चों का नामांकन उत्तीर्ण होने के बाद एडमिशन खुद हो जाता है, तो कक्षा 5 और 8 के बच्चों का नामांकन लिया जाता है। के पाठक के आदेश में DO के लिए भी कई कार्य दायित्व तो दिए गए हैं। शिक्षा विभाग ने कहा है कि प्राथमिक स्कूल से कक्षा 5 उत्तीर्ण करने वाले बच्चों का नामांकन बगल के मध्य विद्यालय में कक्षा 6 में होगा। यह नामांकन कराने की जिम्मेवारी संबंधित प्राथमिक विद्यालय के प्रधान की होगी। इसी तरह मिडिल स्कूल के कक्षा 8 को उत्तीर्ण करने वाले बच्चों को नजदीक के हाई स्कूल में कक्षा 9 में नामांकन की जिम्मेदारी संबंधित मिडिल स्कूल प्रधान की होगी। इसके लिए पूर्व में ही माध्यमिक शिक्षा के निदेशक द्वारा सभी DO को दिशा निर्देश दिया जा चुका है। विभाग ने DO को निर्देश के आदेश को 100% पालन सुनिश्चित कराने के लिए कहा गया है। बिहार के सरकारी स्कूलों में वार्षिक परीक्षा संपन्न हो चुकी है, बच्चों के बीच रिजल्ट का वितरण कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने नामांकन तिथि भी निर्धारित कर दी है, 1 अप्रैल से 30 जून तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। इसके लिए अभियान का नाम प्रवेश उत्सव विशेष नामांकन अभियान दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, 30 जून तक कहा जाए कि नामांकन की प्रक्रिया चलेगी, इसके लिए अभियान का नाम जो है प्रवेश उत्सव विशेष नामांकन अभियान दिया गया है। तो यह था बिग अपडेट इस वीडियो में कि बिहार में अब घर से पास के स्कूल में भी पढ़ना मुश्किल, के पाठक के नए फरमान से बच्चे आफत में। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना है, ऑल पर क्लिक कर देना है, ताकि सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।